एक पुराना जमाना था जब हरियाणा में कोख में पल रही बेटियों की हत्या कर दी जाती थी, और इतना ही नहीं, लड़कियों को घरों से बाहर भी निकलने नहीं दिया जाता था। लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया, ठीक वैसे वैसे ही लोगों की सोच भी बदलती गई। और आज प्रदेश की बेटियां शिक्षा हो या खेल का मैदान, यानी हर क्षेत्र में अपने माता पिता के साथ देश का नाम भी रोशन कर रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सोनीपत के गाँव सहरी में एक छोटे से किसान के परिवार जन्मी पहलवान कुसुम की, जो टोक्यो ओलंपिक के बाद रूस में होने वाले जूनियर विश्व चैंपियनशिप में देश का परचम लहराएंगी। बता दें कि 18 साल की कुसुम ने 59 किलोग्राम वर्ग में जूनियर विश्व चैंपियनशिप में क्वालिफाई कर लिया है, और वो इस प्रतियोगिता के लिए दिन रात कड़ी मेहनत कर रही हैं ताकि देश के लिए गोल्ड मेडल ला सके। मैं और ज्यादा प्रैक्टिस करूंगी कि अपने देश के लिए मेडल लाऊंगी गोल्ड। कब खेलने लगे थे बचपन में आप? बचपन पे पहले मिट्टी के अखाड़े में प्रैक्टिस करती थी, अब मैट पे करती हूँ। क्या सोचा था कि एक दिन पहलवान बनना है? हाँ। परिवार का कितना साथ सहयोग मिला है? बहुत मिला है। अब जिस तरह सिलेक्शन हुआ है उसमें कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाली एक 18 साल की लड़की कुसुम ने वो कर दिखाया जो आज तक सोनीपत की कोई भी लड़की नहीं दिखा पाई थी, और अगस्त माह में रूस के अंदर होने वाली जूनियर विश्व चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर देश का नाम रोशन करने जा रही है। और परिवार सहित सभी लोगों को उम्मीद है कि कुसुम देश के मेडल जीत लाएगी। उसने बहुत प्रैक्टिस करी, वो एक्स्ट्रा भी कराया करती, और उसके जो पापा है वो बहुत सपोर्ट करते हैं उसे, और जो कोच है वो भी हमारे बहुत अच्छे हैं, रणजीत सिंह और अजय मलिक, और ये हमें प्रैक्टिस कराते हैं, और उसके पापा खेती बाड़ी करते हैं, और फिर वो छोटे होते प्रैक्टिस कराया करती, मतलब इंटरेस्ट था थोड़ा उसका, और मिट्टी के खाड़े में प्रैक्टिस कराया करती हो, और फिर उन्हें पता चला ऐसे अकेडमी का, फिर उन्होंने रणजीत सर के पास छोड़ दिया, और बहुत अच्छी है कुसुम और सबके साथ मिलजुल के। आपके साथ मेहनत खेलती है, कूदती है, कितनी मेहनत है दिन में करती है? बहुत स्ट्रगल भी करती है और बहुत अच्छी मेहनत भी करती है, और चीटिंग नहीं करती बिल्कुल भी, और बाकी अच्छी प्रैक्टिस करती है। कुसुम लड़की है, शेरी गांव से है, और इसने 59 किलो में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, और जो जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप रूस में होनी है उसमें भाग लेगी। कब ये टूर्नामेंट होगी? अगस्त में होगी जी। अच्छा, कितने साल की है जो लड़की खेलती है ये? ये अब जो 20 साल तक के बच्चा का जो है जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप होगी उसमें भाग लेगी। बताया जा रहा है कि कुसुम को बचपन से ही उसे खेलों का शौक रहा है, और पिता का सपना था कि वो कुश्ती खेले और अपने परिवार के साथ देश का नाम रोशन करे, जिसके लिए वो कड़ी मेहनत कर रही हैं। रोजाना सुबह 3 घंटे और शाम को भी 3 घंटे अभ्यास करती हैं। शुरुआत में उसने मिट्टी के अखाड़े से अपने खेल की शुरुआत की थी, और अब नेट पर अपने प्रतिद्वंदियों को पटकी दे रही हैं। सोनीपत से पवन राठी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।